उधर कच्चे अध्यापकों वालों पूरा खरड़ हाईवे जाम किया जा रहा है, जिसके चलते पंजाब और जम्मू जाने वाले लोगों को मुश्किल होने वाली है। बीते दिन तो ही कच्चे अध्यापकों का खरड़ हाईवे से धरना जारी है। अध्यापकों का कहना है कि सरकार उन्हां दीआं मुश्किलां बारे कुछ नहीं कर रही अते ना ही सरकार नूं कोई फर्क पै रहा है, जिसके चलदे हाईवे नूं जाम करन दा ऐलान कर दिता गया। खरड़ हाईवे ते कल शाम का धरना जिहड़ा कि कच्चे अध्यापकों वालों दिता गया ते हजे भी वह धरना चल रहा है। तुसीं एक वारी तस्वीरां दे विच तुहानूं दिखा दईए कि कल दोपहर तो बाद जिहड़ा धरना शुरू होया सीगा उह हजे तक चल रहा है। कल रात नूं वी जिहड़ा कि है खुले आसमान हेठ ये कच्चे अध्यापक जिहड़े कि उह इत्थे ही रुके, ठंड दे विच वी इत्थे ही सीगे, महिलावां वी इत्थे सीगे, बच्चे वी इत्थे ही सीगे। तो इस तों बाद क्योंकि हजे तक भी जिहड़ी कि है कोई सुनवाई नहीं हो रही है कच्चे अध्यापकों की, तो अगली जिहड़ी मूवमेंट है वो ये होगी कि पूरे खरड़ हाईवे नूं ब्लॉक कर दिता जाऊगा, फ्लाईओवर नूं ब्लॉक कर दिता जाऊगा। तो 90 दिन के करीब हो गया सानू सिक्ख्या विभाग दे अगे बैठे हाँ, 35-36 दिन हो गया सिक्ख्या विभाग दे गेट बंद किते हाँ, तो कल भी लगातार 1 बजे तो लैके असीं इत्थे बैठे हुए लगातार, पर जिहड़े साडा माणयोग प्रशासन जां मुख्यमंत्री पंजाब दी कोठी दे अगे साडे दो लेडीज़ अध्यापक भी जिहड़े टावर दे उत्ते चढ़े हुए ने, पर इहनां दी सेहत ते कोई असर नहीं पिया। पर हुण असीं सारे फैसला लै रहे हां भी असीं जिहड़ा मेन अगे आ मतलब जित्थों थल्ले उतरदा टी पॉइंट सारा पैंदा है वह ब्लॉक करांगे, जिहदे नाल हिमाचल जम्मू कश्मीर माझा दुआबा ते अद्धा मालवा जिहड़ा इहनां दा कट ऑफ हो जूगा, क्योंकि हुण साडी मजबूरी बन गई सानूं वह जाके ब्लॉक करना पएगा। जेकर नहीं ब्लॉक करदे तां सानू नहीं लगता भी सरकार का हफ्ता को रह गया भी ये साड़ी कोई गल सुनगे। कैमरामैन धर्मवीर दा नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया खरड़। पंजाब सरकार वालों नशे ते काबू पाउण दे वड्डे दावे किते जांदे रहे, पर उत्थे ही नशा खरीदण ते वेचण वालियां दे मामले भी सामने आउंदे रहे। ताज़ा मामला हुण हलका समराला तो सामने आया, पिंड कुलाल जिथे पिंड वासियां ने नशा लैण आए एक नौजवान नूं नशे समेत ही काबू कर लिया। इस तों बाद पिंड वासियां वल्लों मौके ते उसदी वीडियो भी बनाई गई, सोशल मीडिया ते भी पाई गई ते वीडियो वायरल भी हुई। फिलहाल नौजवान नूं काबू कर लिया गया। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ ਆ ਆਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੇਲੀ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਉਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਹ ਫੜੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਫੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲ ਤੋਂ ਜੀ।